चलती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत कार्यक्रम संवरती जाए जीवन की राह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि अपना रोजगार करना चाहे तो उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रियायती दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ ही इस वर्ग के छात्रों को छात्रावास, आवासीय विद्यालय, स्कॉलरशिप की सुविधा भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मित्रों, हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विशेष रूप से प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा और उनकी देखभाल को सुनिश्चित करने के अलावा बीपीएल कार्ड धारक वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वयोश्री योजना शुरू की गई है। किसी भी कारण से हाथ फैलाने को विवश स्त्री, पुरुष, किशोर अथवा बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और उनके रोजगार आदि के समुचित प्रबंधन हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्माइल के नाम से एक योजना आरंभ की है। स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये योजना भिक्षावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में एक सार्थक पहल है। तो प्रस्तुत है हमारी आज की कहानी स्माइल, भिक्षावृत्ति उन्मूलन का एक सार्थक प्रयास। पहले मुझे दो, नहीं मैं पहले आया हूँ, पहले मैं लूंगा। आप सब लोग आराम से लाइन लगा लो, सबको भोजन मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, बस लाइन लगा लो। ये लो बाबा, ये लो माई, तुम भी लो बहन। आप ये दो रोटी वापस ले लीजिए। क्या हुआ, कम है? नो, टू रोटीज आर इनफ फॉर मी, सो आई डोंट नीड एक्स्ट्रा रोटीज। ओह सॉरी। इतनी पढ़ी लिखी होकर ये बहन भीख मांग रही है, पूछना पड़ेगा। आते जाइए आराम से, आइए आइए, भोजन सबको मिलेगा। अरे आप यहाँ बैठी हैं, मैं काफी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर डिलीशियस फूड एंड गुड बिहेवियर, लेकिन इस समय आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या एक भाई अपनी छोटी बहन से बात नहीं कर सकता, उसकी तकलीफ उसका दुख बांट नहीं सकता? भाई? हाँ मेरी बहन, एक भाई अपनी छोटी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज मुझे बताओ, अपने बारे में बताओ, अपने अतीत के बारे में। बताती हूँ। पापा, पापा मेरा एमए का रिजल्ट आ गया, कुल 80% मार्क्स है पापा। अरे एमए इंग्लिश में 80% लाना कोई हंसी मजाक नहीं है अमृता, इट्स अ गुड स्कोर। चलो तुम्हारा एमए इंग्लिश भी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा भी है तुम्हारे पास, अब आगे क्या करने का इरादा है? पापा मैं आपकी तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अब जो भी करना है ना, अपनी शादी के बाद ही करना। पापा मुझे नहीं करनी है अभी शादी। मैंने एक अच्छा लड़का भी देख रखा है तेरे लिए, तू एक बार उससे मिल ले, तुझे पसंद होगा तो मैं अगले महीने ही तेरी शादी कर दूंगा। अपना ध्यान रखना पापा, अपना ध्यान रखना। तू चिंता क्यों करती है, मेरा ध्यान रखने के लिए तेरे भाई भाभी तो हैं ना। पापा। शादी के बाद पहला साल तो ठीक गुजरा, लेकिन पापा के रिटायर होते ही उनकी डिमांड्स शुरू हो गई। कैसी डिमांड्स? पैसा। उनका मानना था कि मेरे पापा के पास रिटायरमेंट के बाद खूब पैसा होगा, वो पापा का सारा पैसा लेना चाहते थे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया, मैंने सब सहा, लेकिन जब वो मुझे पागल साबित करने की कोशिश करने लगे तो मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन सिस्टर आप पढ़ी लिखी हैं, अपनी जिंदगी को दोबारा भी शुरू कर सकती थीं। शादी पर विश्वास नहीं रहा भैया, मेरे वापस लौटने का सदमा
पापा सह नहीं पाए और वो भी। ओ, फिर? भैया भाभी ने भी एक दिन घर से निकाल दिया। मन की शांति के लिए हरिद्वार जाना चाहती थी, लेकिन मेरा सामान और पैसे ट्रेन में चोरी हो गए। यहाँ पानी पीने उतरी थी तो ट्रेन भी छूट गई। 3 महीने से यहीं पर हूँ। आप उठिए और चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? एक नई शुरुआत करने। हाँ, नई शुरुआत। नमस्कार दीदी। नमस्ते राजीव, आओ आओ बैठो। कैसी हैं अब अमृता? राजीव, पहले 15 दिन तो वो डरी सहमी गुमसुम सी रही, शायद हमारा भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने उसका पूरा ध्यान रखा और लगातार काउंसलिंग से उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौट आया। बहुत ही प्रतिभावान और समझदार है अमृता। उसकी एजुकेशन, व्यवहार और टैलेंट की वजह से आज ही उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया है। अमृता, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आती हूँ दीदी। अरे राजीव भैया, आप कैसी हैं मेरी बहन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन भैया, आप कैसे हैं? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ अमृता। आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भैया। धन्यवाद मेरा नहीं अमृता, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का करो, जिन्होंने भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए स्माइल जैसी अच्छी योजना दिल्ली में शुरू कर दी है। राजीव, ये योजना दिल्ली के अलावा मुंबई, पटना, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और नागपुर जैसे शहरों में भी शुरू कर दी गई है। इन 10 शहरों में इस योजना के सफल होने के बाद इसे देश के दूसरे 100 शहरों में भी लागू करने की योजना है। ये तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की बहुत अच्छी पहल है। अब किसी अमृता को इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। स्माइल के नाम से शुरू की गई इस योजना में भिखारियों के रहने खाने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई और स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि इकट्ठे किए गए ब्यौरे के आधार पर उनके पुनर्वास के काम को तेजी और सटीक तरीके से किया जा सके। मित्रों, अब समय है एक छोटे से मनोरंजन का, आइए सुनते हैं ये गाना। जिसका मुझे था इंतजार, मित्रों, आप इस योजना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर लिख सकते हैं। पता है संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। मित्रों, अब समय है आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछने का। सवाल का सही जवाब भेजकर आप जीत सकते हैं ₹200 का पुरस्कार। आज का सवाल है, शादी से पहले अमृता क्या बनना चाहती थी। सवाल एक बार फिर, शादी से पहले अमृता क्या बनना चाहती थी। अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। सवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 37, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी, सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमारे ईमेल आईडी mosjsrp@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा ₹200 का पुरस्कार। दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।